बिहार में तकलीफ 5 साल हुई है भैया, ये चलते चलते सुनाई नहीं देगा। मशीन के लिए हमारे कोई रिलेटिव है, उनको यहाँ से कहा कि ट्रीटमेंट, मेरा दारू भाई है, अच्छा उनकी मम्मी है, तो उनको बहुत प्रेरित किया मेरे को कि आप वहाँ एक बार जाओ, जाके दिखाओ, वही बातचीत की है सब, और वही भेजे हैं, बोला एक बार आप जाइए, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है भैया सुनाई देगा जब ना सब काम होगा। यही कहना चाहेंगे सर कि सबसे पहला शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, और नहीं सुनाई देगा तो हम क्या काम करेंगे। नहीं सुनाई देने से मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, और दिमाग भी काम नहीं करता कि क्या काम करना है। सही सही, और सुनाई देता तो बेहतर से मन बहुत खुश होता, डॉक्टर के पास आना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसकी बच्ची है, वो 5 साल की है, वो जन्म से ही नहीं सुनती, तो मैंने बोला कि पहले मैं दिखा के आता हूँ, तो मैं ग्रुप का ये भेज दिया हूँ आपका, और मैं देखा, देख के मेरे से आया बात करने के, रात को 10:30 मेरी वाइफ और मैं बात कर रहा था, कैसे मेरा मन में आया दोस्त को आता और फोन किया, बोला कुछ भेजा हूँ देख लेते, देख लिया सुबह बात करने आया मेरे से, बोला पहले तुम जाके आओ, वो भी लाइफ बहुत परेशान है और बहुत जगह दिखाया आपको, समझे सपना पैसे की, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला चीज़ शरीर स्वस्थ, हाँ तो पैसे ही पैसा। मैं तो जहाँ भी गया ना सर, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को बेंगलोर में अच्छा लगा, ठीक है जो लगना जो करना, 35 होता ना कि हम आपसे बात किए तो मेरे मन में तसल्ली होना है ना, और बात बाकी कहीं भी किए बस वो करा लो ये करा लो, और बस आप क्या बोला था वहाँ का डॉक्टर, क्या बोला था मशीन नहीं नहीं कान में क्या सुना सुखा क्या क्या बोल रहा, वो सब कुछ नहीं बताया, बोले क्या है कुछ अब बताएंगे ना कि किस कारण है क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई लिमिट तो है नहीं कि पेशेंट को जो आया उसको सबको देख लेना, छोड़ना किसी को नहीं, और 10 मिनट में निकाल दें। नर्स बोला था ना आपका, नर्स वो बोला वो विराटनगर में गया, वो बोला विराटनगर में बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल और एयर का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो वहाँ भी जो जैसे बोला कहीं भी ठीक हो जाए, हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो भगवान से एक ही चीज़ बोले कि भगवान मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं, तो मेरा क्यों बिगाड़ रहा है।